नहीं होगा उस समय। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है क्या उस घर पे। तो गाइस, आज थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है और सुबह सुबह का मौसम है, बड़ा ही सुहाना मौसम हो रहा है गाइस। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घर का सामान लेने के लिए, दूध वूध चाय बनाए थे फिर हम। ए मे बी अच्छा, चलो वन वहाँ से तो भैया कोई आ जाएगा, गाड़ी वाली आ जाएगी। तो गाइस अभी बच्चे जा रहे हैं दूध लेने के लिए, गाइस अभी दूध लेने के लिए जा रहे हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। विमान बहुत तेज भागता है। यासु भाग के दिखा ना भाई, कैसे कर रहे हो? सांस अटके हैं? खाने पीने पे ध्यान गया है बेटा? आगे थी। बाहर की चीज नहीं खाते, ठीक है? ये मैं से आगे थी। तो बच्चों जब भी रोड पे चलोगे तो किस साइड में चलते हैं हम? किस साइड चलते हैं बेटा? नहीं, अपने हैंड के कौन सी साइड चलते हैं? अपने हैंड के कौन सी साइड चलते हैं ये बताओ। तो उस साइड चलते हैं ना, लेफ्ट लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड चलना है, तुम राइट में चल रहे हो। तो गाइस आज बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, रोड पे चलने की ट्रेनिंग, कि रोड पे चला कैसे जाता है। तो बच्चों रोड पे ना चलने से पहले, सबसे पहले आपको अपने हैंड के लेफ्ट हैंड को चलना होता है, ठीक है? हमेशा ये लेफ्ट हैंड रोड अपना, ठीक है? अपनी साइड है ये, जिस भी तरफ तुम जाओगे ना उसके लेफ्ट हैंड में साइड में चलना है, ठीक है? समझाया है? समझाया नहीं आया? नहीं, ये नहीं बोल रही, अब कुछ बोल ही नहीं रही। तो गाइज अभी है ना, इनको रोड देख, गिरेगा ना गिरेगा, तो आगे देख के चल ले, ठीक है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो तुम कैसे करोगे? जब भी रोड क्रॉस करना है तो कैसे करोगे तुम? दाएं बाएं देख के, जब कोई साधन नहीं आ रहा हो तब करोगे रोड क्रॉस। वेरी गुड, वेरी गुड। और कभी भी भाग के मत करना, ठीक है? वेरी गुड। तो गाइज मेहमान सीख गया है रोड क्रॉस करना। अभी अभी इनके में डर में है ना, डर है इनको। ये अब बच्चे निकलते नहीं घर से बाहर, अब इनको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, चलो रोड क्रॉस करो। मेरे में तो गाड़ी बाइक आ रही है। जब रोड पे कुछ चीज आ नहीं रही हो, जब ज्यादा भीड़ भीड़ वाला एरिया हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक स्टडी सिखा देते हैं आपको। अरे बड़े हो गए तो जाओगे भाई। और क्या, तो बच्चों को गाइज वैसे रोड क्रॉस करना आना चाहिए, क्योंकि मैं कल देख रहा था मेहमान को, भाई डर रहा है भाई, बाहर निकलता ही नहीं है भाई, सच में यार। तो थोड़ा सा मैंने कहा बच्चों को भाई घुमाना पड़ेगा बाहर, और इनका डर खोलना पड़ेगा, रोड वोड क्रॉस करवाना पड़ेगा ताकि ये सीखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े भाई। बस अपनी साइड चलते रहो आराम आराम से, ठीक है? अपनी साइड चलनी होती है, ठीक है? बीच में नहीं चलते कभी भी रोड के, रोड के कभी बीच में नहीं चलना, ठीक है? ये फुटपाथ होती है, वैसे फुटपाथ पे चलने का होता है, अभी ये ख़राब हो रहा है ना, तो इसलिए रोड के साइड में चलना चाहिए हमेशा। वेरी गुड। तो गाइज अभी मेहमान का भी अभी एडमिशन करा दूंगा मैं सोमवार को, तो अब मेहमान जाएगा जिमनास्टिक। वो यार जिमनास्टिक से है ना ठीक रहेगा यार, क्योंकि एक तो इसका शरीर ठीक रहेगा, और जब अगर बच्चा खेल कूद में रहता है ना भाई, तो वैसे भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी शरीर की, और सही भूख भूख लगेगी इसको, और फिर माइंड भी रिफ्रेश रहता है, तो कोई भी खेल कूद कर लेना चाहिए भाई। हमने तो अपने बचपन में भाई बहुत खेल कूद किए भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया ना, क्योंकि हम गांव में रहते थे भाई, गांव में ना सारे खेल कूद होते थे, कबड्डी कुश्ती जान वाले खेल कूद होते थे जितने भी थे, समझे? कोई भी गाड़ी का हॉर्न आता है सबसे पहले देखो कि पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे से आ रही है, कि दाएं से बाएं से,
ऐसे नहीं करते कि कैसे तुम चल रहे हो। अब देखता हूँ तुम कैसे रोड क्रॉस करते हो। ऐसी मेहमान बहुत डरते हैं भाई, बहुत ज्यादा ये छेड़ता रहता उसको। अब रोड क्रॉस नहीं करना यसु, रोड क्रॉस करना है। आराम से, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, चलो रोड क्रॉस करने में जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है। बाइक गुरु तो माँ बाप ही होते हैं भाई, हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु थे, तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं जो वही उनकी धरोहर आगे देने का अब टाइम आ चुका है। अब अपने माँ बाप की शिक्षा को आगे फॉलो करके और उनको भी हम वैसी शिक्षा दें अपने बच्चों को। तो भाई जा गए अपने घर पर, चप्पल निकाल दें चलते हैं अंदर। किंजू अभी टीवी देख रहे। तो गाइज मैं बिस्किट फिर भूल गया गाइज, उनकी थैली थैली लेकर आया मैं बिस्किट लेके आने थे और मैं बिस्किट भूल गया, बच्चों ने याद नहीं दिलाया मुझे यार, तो वेरी बैड हैबिट, ठीक है, गंदी बात है। तो तुम याद दिला देते ना मुझे कि बिस्किट भी लाना है। क्या यार सच में यार, दो मिनट की बातें भूल जाता हूँ, ये गंदी बात हो रही है यार, मैं कैसे नहीं आता वापस लेके आऊँ भाई, गजनी हो गया हूँ मैं, गजनी बिल्कुल। आप तो वैसे एक लाइन बनवाने की देर है, मैं गजनी हूँ भाई। क्या यार कैसे तो मैं, अरे बॉडी पर लिखना पड़ेगा मुझे, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, ऐसे करके तभी भाई बात बनेगी यार, ये तो यार लिख के ले जानी पड़ेगी बातें हर एक। तो भाई जब मैं बिस्किट लेने जा रहा हूँ, बिस्किट लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो गाइस रियो इंतजार कर रही है, मेरी साइकिल का नाम है गाइस रियो, दिस इज रियो, चलो रियो। पर रियो का यार जंग लग गया यार, क्योंकि रियो को भी थोड़ा सा सर्विस करानी पड़ेगी रियो की। तो गाइस दोबारा चक्कर लग गया, अभी साइकिल पे जा रहे हैं आपकी गाइस। भाई कैसा लग रहा है स्वाद, ठीक लग रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल है, कोई कमी किसी प्रकार की ना, रिव्यू तो लेना भाई भाइयों का है ना, ठीक है ना, चलो थैंक यू भाई। तो गाइस मेहमान और हर्ष आए हैं आज स्टेडियम में, तो अभी स्टेडियम में आज इनका खेल में भाई नाम लिखवा देना है और फिर डेली आया करेंगे खेलने कूदने भाई। वही बात है ना बच्चों को भाई, अभी बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा एक्टिविटीज़ करानी पड़ेगी ज़्यादा। तो गाइस उधर हैं सारे बॉक्सिंग वाले बच्चे। बॉक्सिंग नहीं करोगे? तो गाइस बॉक्सिंग तो नहीं लेंगे, ये करेंगे जिमनास्टिक। तो गाइस उधर चली हुई है बॉक्सिंग, वहाँ पे देखो बच्चों के बॉक्सिंग चल रही है। और इस तरफ है जिमनास्टिक गाइस, काफी बच्चों में बेटा। तो गाइस ये है जहाँ पर मेहमान, देखो ये क्या बात है, आपको आती है करके दिखाना एक बार, ये क्या बात है, वेरी गुड, ऐसे करोगे तुम, ठीक है
करोगे ना? तो गाइस आज तो छुट्टी है, आजा करके दिखा दे, छोटी कुलाबाती मार के देख ले। वेरी गुड। हाँ ना ना, ड्रेस वेस की जरूरत नहीं होती। अरे नहीं बेटा, बहुत आसान है। वेरी गुड वेरी गुड। बस की नहीं होता बेटा, सीख जाओगे तुम, आ जाएगा। ये क्या बात है। चलो मैं करके देखता हूँ एक बार, इसको पकड़ो एक बार, मैं मेरी वीडियो बन जाएगी। तो गाइस मुस्सा से नहीं हुआ इस फिल्म में। तो गाइस कैसा लगा कुलाबाती खाई? पर बच्चे ही नहीं खा रहे, शर्मा रहे हैं बच्चे, खा के देख लेने पर कुलाबाती। तो गाइस अभी बच्चे शर्मा रहे हैं ना, बच्चों को देख के, तो इसलिए कर नहीं पा रहे हैं।